हेलो एवरीबडी वेलकम 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के साथ मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ फिर से और इस वीडियो में हम लोग जर्नल अवेयरनेस आई मीन जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट के uh, का एनालिसिस करेंगे आज के क्वेश्चन का ठीक है सेकंड शिफ्ट का तो आइए शुरुआत करते हैं uh, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ वर्ल्ड पूछा था जो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है वो पूछा था तो वो आप जानते हो ग्रीनलैंड है ठीक है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है और फिर पूछा था क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा गया है तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी और पढ़ ही रहे हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एन पी की तो पढ़ा ही है तो पीरियोडिक टेबल को हेलो जो कि सत्रह नंबर का वो है और या तो वो ग्रुप पूछा था या फिर ब्लॉक पूछा था क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ था क्लोरिन को कहाँ पर रखे रखा गया है पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ पूछा गया था तो आप देख लीजिएगा ठीक है फिर पूछा था विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्योंकि विटामिन डी की कमी से तो कई रोग होते हैं जैसे कि ऑस्टियोमोलोसिस हो गया और रिकेट्स हो गया तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर डी टू ओ यानी कि भारी जल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और नोकिया के सी ई ओ पूछे गए थे एट प्रेजेंट जो नोकिया के सी हैं वो कौन हैं ठीक है ठीके? फिर पूछा था बाफ्टा के अध्यक्ष कौन हैं तो ये हैं कृष्णेंदु इंदू मंजूमदार राजस्थान के गवर्नर पूछे थे तो राजस्थान के गवर्नर कौन है फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था देखो गवर्नर और सीएम वगैरह लेकिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है राजस्थान के गवर्नर पूछे थे कलराज मिश्रा यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था वो मुझे एग्जैक्ट uh, नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन था लेकिन यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था फिर था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला है देखिए अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे कोई सा भी अवार्ड हो ज्ञानपीठ हो व्यास सम्मान हो या फिर सरस्वती सम्मान हो नोबेल प्राइजेस हो ये मतलब अवार्ड जितने भी हैं सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं याद कर लीजिएगा सबको क्योंकि तीन महीने एग्जाम चलने वाला है तो हर एक अवार्ड मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा ठीक है तो इस शिफ्ट में पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स का नोवल ट्वेंटी ट्वेंटी किसको मिला है ठीक है फिर था स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं तो आंसर भी इसमें मैंने लिख रखे हैं कॉस्मोलॉजी ठीक है कॉस्मोलॉजी कहते हैं प्लासी का युद्ध या तो क्वेश्चन ये था कि कब हुआ था या फिर ये था कि किन किन के बीच हुआ था तो आपको पता है कि सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हुआ था किस किस के बीच हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स और सराज उद्दौला के बीच हुआ था जलियावाला बाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये कब हुआ था जली वाला बाग कांड कब हुआ था तेरह अप्रे, अप्रेल अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को ठीक है एनआई की फुलफॉर्म पूछी थी नेटवर्क ऑफ इंटरफेस यूनिट बार्क का हेडक्वार्टर जो भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर है उसका जो हेडक्वार्टर पूछा था कहां पे है ये मुंबई में है फिक्की की फुल फॉर्म पूछी थी फुल फॉर्म नहीं थी शायद ही क्योंकि एक ही क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में कई फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा तो फिक्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद ठीक है यूएनएससी का हेडक्वार्टर पूछा था कहां पर है यूएनएससी का हेडक्वार्टर फिर पूछा था केसर का शहर किसको बोलते हैं केसर का शहर तो आपको जानते ही हो साफरान जो केसर के लिए जाना सेफरान केसर के लिए कश्मीर आह हो साफरान तो कस... उसको बोलते हैं इंग्लिश में केसर को तो साफरान स्टेट के नाम से कश्मीर को जाना जाता है ठीक है पेटीएम का ये पूछा था एट प्रेजेंट और फिर पूछा था करेंसी पूछते थे जापान की करेंसी ऑफ जापान ये ना आपको पता है कि अच्छी तरीके से राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र पूछा था तो ये वायनाड केरल है पहले तो राहुल गांधी यूपी के अमेठी से लड़ते थे लेकिन स्मृति ईरानी इस बार वहाँ से चुनाव जीती हैं और इस बार राहुल गांधी वहाँ पे हार गए हैं और वायनाड से ही जीते थे इस बार वायनाड केरल सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट पूछा था गुमती पावर प्लांट एन डी ए का हेडक्वाटर एन डी ए मीन्स नेशनल डिफेंस अकेडमी का हेडक्वाटर खड़गवासला पुणे में है ये क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा लगता है मैंने कई क्वेश्चन कई पेपर्स में देख लिया ये फिर तब बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है तो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चाइना में है लेकिन इंडिया में जो सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भा, भाई पटेल वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं रिसेंटली उसको उसमें एस के आठ जू में भी शामिल किया गया है ठीक है तो जी एक ये रह गया बीच में द्रव्यमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था साइंस में ये द्रव्यमान जो मास से होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है जी एन पी एन एन पी की फुल फॉर्म तो ये देखिए ये बच्चे भी बताते हैं तो मतलब एक ही शिफ्ट में कितनी सारे फुलफॉर्म आएंगे ऊपर भी आ चुकी है फिक्की की एन आई यू की जे एन पी एन एम पी मतलब कितनी फुलफॉर्म आएंगी लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पूछी थी तो ये चार लाख होती है वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कौन है इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था तो सर्वप्रथम लगाया था दादा भाई नोरोजी ने और कितनी राष्ट्रीय आय बताई थी उन्होंने उस टाइम ट्वेंटी रुपये पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति बीस रुपये आय बताई थी ठीक है जी ट्वेंटी की जो सबमिट हुई है ट्वेंटी ट्वेंटी में वो कहाँ पे हुई है जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के भी नाम आपको याद कर लेने हैं ठीक है और ये जी ट्वेंटी की जो समिट हुई है ट्वेंटी ट्वेंटी में कहाँ पे हुई है सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया ठीक है लैंड स्टीनर को नोबल कब मिला था मतलब अब के नोबल प्राइज़ तो इम्पोर्टेंट हैं ही साथ में ये भी पूछ लिया गया है कि कारलैंड स्टिनर को नोबल कब मिला था नाइनटीन थर्टी में मिला था अब नेक्स्ट शिफ्ट वाले याद करें कि नाइनटीन थर्टी में मिला था लेकिन किसके लिए मिला था क्यों मिला था ठीक है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी इंक्रीज़ हुई है पॉइंट एट सिक्स सेंटीमीटर पहले थी आठ हज़ार आठ सौ अड़तालीस अब हो गई है आठ हजार आठ सौ अड़तालीस पॉइंट एट सिक्स सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो पासेक्स एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था कोई क्वेश्चन मतलब ये था कि पासेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच होती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है आप लोग जानते हैं यूनिसेफ डे कब होता है इकतीस अक्टूबर को होता है ये भी आप जानते हो अब रीजनिंग एंड मैथ से कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे वो हम देख लेते हैं एक तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड था सक्सेसिव लग रहा था उसमें कि खरीदते समय भी दस परसेंट कम तोलता है मतलब दस परसेंट की कोई करता है और बेचते समय भी दस परसेंट तो इसमें सक्सेसिव लगा के दस दस का इक्कीस परसेंट आपको ये दुकानदार जो है प्रॉफिट कमा लेता है फिर एक क्वेश्चन था कि ए एक काम को बीस दिन में करता है और बी तीस दिन में करता है तो केवल ए अकेले कितने दिनों में करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मैथ का कि ये एक सीरीज दी हुई थी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फिफ्टी उनका योग पूछा था ठीक है एक क्वेश्चन था ये सीरीज वाला है ये पाँच आठ तेरह बीस और ये नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा तो पाँच और तीन आठ और पाँच तेरह पा, तेरह सात बीस प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं या फिर पाँच सात नौ ऐसे करके बीस और नौ उनतीस भी हो सकता है या फिर अगर प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये इकतीस भी हो सकता है तो ये हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा या उनतीस लगाएं आंसर या इकतीस लगाएं ठीक है आगे ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे बताया गया है ई एक्स सी पी आर इसको लख, लिखा गया था फाइव वन टू फोर थ्री वन सिक्स वन एटी यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू है ई फाइव है ए का वन है एक्स का ट्वेंटी फोर है सी का थ्री है पी का सिक्सटीन है आर का एटीन है तो सिंपल सा ये येलो की जो है आपको प्लेस वैल्यू रख देनी है फिर एक क्वेश्चन था घनाव की लंबाई मतलब भुजाओं की लंबाई दस चौड़ाई आठ और हाइट दे रखी है छः तो उसका विकट पूछा था विकट का फॉर्मूला आप जानते ही यू होंडरोड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक है आप इजीली इसका विकर्ट निकाल सकते हो फिर पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट का जो रेसो था वो दे रखा था वन बाई टू रेशो वन बाई थ्री रेशो वन बाई फोर ये रेसो दे रखा था इन्वेस्टमेंट का होल ईयर के लिए मतलब समान समय के लिए था और टोटल प्रॉफिट भी दे रखा था पंद्रह हजार छः सौ रुपये उसके बाद पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है ठीक है जो लार्जेस्ट पार्ट था प्रॉफिट का वो पूछा था तो इजी क्वेश्चन है ये भी ठीक है फिर एक क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी ठीक है अब ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी हैं जी एस के फिर से आगे इधर सिर्फ समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है ये पूछा गया था तो ये बना है कावेरी नदी पर किस नदी पर कावेरी नदी पर डॉल्फिन किस नदी में रहती है गंगा नदी में रहती है डॉल्फिन मीठे पानी वाली जो मीठे पानी वाली जो नदियाँ होती है उसी में रहती है डॉल्फिन ठीक है फिर खारे पानी में खारे पानी में नहीं रहती हैं ये मंगोलिया की कैपिटल पूछी थी तो ये उलान भुटोर है मंगोलिया की कैपिटल ठीक है फिर से मैथ्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं पी स्क्र प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर एक् स्क्वायर इजकल टू तो जीरो दिया था तो इसकी वैल्यू पूछी थी ठीक है फिर था ये टिक्नोमैट्रिक से था कोई क्वेश्चन मुझे पता नहीं है कौन सा था कॉस्ट टू टी टा बरावर को या दे रखा था ये मुझे जानकारी नहीं इसकी तो टिक्नोमैट्री आप लोग पढ़ ही रहे होंगे ठीक है रेडियो डे वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन था तेरह फरवरी को मनाया जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी या फिर किसने की थी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था उन्नीस में हुई थी किसने की थी तो मोदीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास पेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है आर्कटिक प्लस प्रशांत महासागर को ठीक है प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था इंडिया में तो वो नाइनटीन सेवनटी फोर में हुआ था फिर था लोधी वंश का अंतिम शासक कौन सा था तो आप जानते हो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पंद्रह सौ छब्बीस में जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध तो उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी बाबर जीत गया था तो इसका जो राइट आंसर होगा लोदी वंश का अंतम शासक इब्राहिम लोदी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइकन जो होता है वो किस किस के मेल से बनता है कबक और सेवाल के मेल से ठीक है फिर था टमाटर में कौन सा एसिड होता है तो ऑक्जोलिक एसिड ओके पिक्रिक एसिड किससे बोलते हैं टी एन पी को टी एन पी तो ये क्वेश्चन एंड होते हैं यहाँ पे हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट होता है सेकंड शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट के यानी कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर थर्ड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मतलब उन्नीस दिसंबर की तो फर्स्ट शिफ्ट ही होगी तो उस शिफ्ट में हम फिर से मिलते हैं आपसे तब तक के लिए धन्यवाद तब तक के लिए नमस्कार देखने के लिए धन्यवाद सॉरी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ थैंक यू सो मच